कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। राइट नाउ जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा टॉपिक है वो है ला। वो क्या है ला, जिसको आप उर्दू में क्या बोलते हैं? कानून। ला लास कानून कवानी। वो जहां तक ला की बात है, इट इज कंडक्ट ऑफ रूल्स, इट इज कंडक्ट ऑफ रूल्स मोस्टली बैकड बाय सैंक्शंस। इनके पीछे जो है सैंक्शंस होते हैं, एसेंट होते हैं, सिग्नेचर होते हैं इनके पीछे, एग्जीक्यूशन इनके पीछे होता है। और एग्जीक्यूशन काम किसका होता है आउट ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? एग्जीक्यूशन काम होता है एग्जीक्यूटिव का। कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बन सकती जब तक कि उस पर प्रेसिडेंट जो है वो दस्तखत नहीं देंगे। तो इसीलिए जो जितने भी कंडक्ट ऑफ रूल्स आते हैं, सेट ऑफ रूल्स आते हैं, दे आर बैक्ड बाय द सैंक्शंस, दे आर बैक्ड बाय द सैंक्शंस। सोसाइटी जो है इनको रिकॉग्नाइज करती है, सोसाइटी जो है वो उनको बिल्कुल मानती है। और लेकिन ये जो लॉज है, ये जो रूल्स है, इनको एनफोर्स करने वाली जो होती है वो सरकार होती है, वो गवर्नमेंट होती है। जिस तरह हम कहते हैं राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी बट एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। सो जब राइट्स की बात करते हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, ये जरूरत है, बट एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, दैट इज अथॉरिटीज। इसी तरह यहाँ पर लॉ जो है इसमें भी यही आता है, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी बट एनफोर्स्ड बाय द स्टेट, एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट्स, एनफोर्स्ड बाय द अथॉरिटीज। और जहां तक इन लॉज की बात है, कानून की बात है, द मेन एम ऑफ दीज वेरी लॉज, टू फ्रेम दीज वेरी लॉज इज टू मेक जस्टिस विल प्रिवेल। जस्टिस विल प्रिवेल, इस जस्टिस में क्या आता है? इस जस्टिस में लिबर्टी भी आती है, इक्वालिटी भी आती है, इसमें राइट्स भी आते हैं। अगर किसी के हुकूक का पामाल करते हो, उसको आप कैसे वो हुकूक जो है वो उसको आप वापस दे सकते हो, उनको आप कैसे जो है वो बहाल कर सकते हैं, आप कैसे उन जो राइट्स की वायलेशन होती है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, या हाउ यू आर गोइंग टू मेक पॉसिबल दैट इक्वालिटी विल प्रिवेल एट इकोनॉमिक लेवल, एट पॉलिटिकल लेवल और एट सोशल लेवल। और इसी तरह से ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये इसलिए भी होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन कंडक्ट आपस में है वो बैलेंसड रहे। वो किस तरह से रहे? वो बैलेंसड रहे। उधर एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना मिले और दूसरे को कम इंपॉर्टेंस मिले, नो, आपने रूल्स इस तरह से बनाने हैं जो कंडक्ट आपस में जो लोग कर रहे हैं ना वो बराबरी होनी चाहिए वहां पे। वहां पे जब गवर्नमेंट की बात हो, जॉब्स की बात हो या बाकी प्रिविलेजेस की बात हो, वहां पे किसी तरह की आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, एज पर लॉज एज पर प्रोविजंस आप जाएंगे। जिस तरह आप कहते हो, जिस तरह आप कहते हैं कि अगर आपने इक्वालिटी मेंटेन करनी है, यू हैव टू मेक इट पॉसिबल दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस फॉर द रॉयल क्लासेस। एक तो एक साइड से आप कहते हैं एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस फॉर द रॉयल क्लासेस, बट यस फ्रॉम अनदर साइड यू हैव टू मेक दीज वेरी प्रिविलेजेस फॉर अदर सेक्शंस। और जिनके लिए आप ये रिजर्वेशन से प्रिविलेजेस फिर अवेलेबल रखते हो वो होते हैं वीकर सेक्शंस। वो कौन होते हैं? वीकर सेक्शंस। सो आप इक्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, सो इक्वालिटी के लिए जरूरी है कि आपकी प्रिविलेजेस, ये प्रेरोगेटिव्स जो है ये रॉयल से ले लो, और ये जो आपने देने हैं, आपने डिप्रेस्ड क्लासेस को देने हैं या आपने वीकर सेक्शंस को देने हैं, तब जाके वहां पे इक्वालिटी मेंटेन हो सकती है। एंड इट टेक्स टू मेक अ क्राउड, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर चार में से आपको एक नहीं था तो बाकी तीन का कोई फायदा नहीं है। ये नोना मैचिंग चार की बात कर रहा हूं, लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस एंड राइट्स। इन चार में से अगर आपको एक भी खो गया, एक में से भी जरा एक के रिलेटेड की जरा सी डिस्क्रिमिनेशन हुई, तो बाकी तीन का उन्हें कोई मायने नहीं रखती है। तो वहां पर इक्वालिटी अगर मेंटेन होती है बाय गिविंग दीस वेरी रिजर्वेशंस टू समवन एंड टेकिंग अवे दीस वेरी रिजर्वेशंस फ्रॉम रॉयल क्लासेस, तो वहां इक्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हो, अपने आप वहां जस्टिस मेंटेन हो रही है। और जस्टिस जब आप इकोनॉमिक या सोशल एंगल पे देखते हो, बार बार मैंने आई साइटेड एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ दैट वेरी राशन का। वो राशन डिपो जब वो दो फैमिली जाते हैं, वन एपीएल होती है, अदर बीपीएल होती है, तो एपीएल जो है क्वांटिटी वो भी लेते हैं सेम, बीपीएल भी क्वांटिटी सेम लेते हैं, लेकिन जो एपीएल पे करते हैं वो ज्यादा होता है और जो पे बीपीएल वाले करते हैं वो कम होता है। वहां वो ऑन द बेस ऑफ इनकम, वहां पर वो इक्वालिटी या जस्टिस मेंटेन करते हैं। इसलिए जब आप इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 की बात करते हैं या आर्टिकल 16 की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज पर एज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक मैटर्स पब्लिक ऑफिसेज की बात है, आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वहां पे यकीनी बनाते हो, या आर्टिकल 15 में आप डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको प्रोहिबिट करते हो, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड, वो सबके लिए बराबर होती है। सो जब आप आर्टिकल 14 में ही कहते हो रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, किसी भी रेस से है, एशियन है, अफ्रीकन है या व्हाइट रेस से है, अमेरिकन, कानून की नजर में सब लोग बराबर है, ह्यूमन राइट्स सबके लिए बराबर है, तो वहां इक्वालिटी जो है वो मेंटेन करते हैं। सो व्हेन इक्वालिटी वाज मेंटेनिंग दैट मींस वी आर मेंटेनिंग द राइट्स, वी आर मेंटेनिंग जस्टिस एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग लिबर्टी एट सेम टाइम। सो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो लॉ में आते हैं,
इसकी इन्हीं रूल्स की वजह से जो ह्यूमंस आपस में कंडक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, वो इन लॉज के हिसाब से करते हैं। अगर जरा सा भी कोई इस बिहेवियर में, इस ह्यूमन रिलेशनशिप में, कंडक्शन में कोई ना वायलेट करता है कानून, तो उसको क्या होता है, उसको या तो कंप्लेंट हो सकती है। अगर कुछ ऐसा इश्यू है जिसपे वो, अगर इंटरनेशनल कोई इश्यू हो तो उसको टैग लग सकती है इंटरनेशनल की, अगर उसने कोई कानून या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई जो प्रोविजन है वो वायलेट किया हो। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज, लास्टली व्यवस्था, अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे तो आप वहां पर इंटरनेशनल कंसिडर किए जाओगे, वहां पर आप इंटरनेशनल कंसिडर किए जाओगे, बिकॉज यू हैव टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, जो भी ये जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो जिनसे अफोर्ड होती है इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, आपने उनको रेस्पेक्ट दिखानी है। तो कानून भी यही कहता है, लेकिन आप उन चीजों को वायलेट या अपोजिशन नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल फेस द म्यूजिक। तो किस तरह का म्यूजिक है, वो जेल वाला म्यूजिक है। सो सेट ऑफ रूल्स जिनकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर कंडक्ट होता है, वो जहां तक ये जो पीपल है जो आपस में ये आपस की इंटर रिलेशनशिप्स में ये बिहेव करते हैं, ये कुछ नॉर्म्स फॉलो करते हैं। ये नॉर्म्स जो होते हैं ये रूल्स होते हैं, लेकिन ये जो नॉर्म्स वर्ड है ये आया है लेटिन वर्ड से। कहां से आया है? लेटिन वर्ड नॉर्म से, नॉर्मा से। किससे? नॉर्मा से। एंड नॉर्मा स्टैंड्स फॉर यार्डस्टिक, इट स्टैंड्स फॉर यार्डस्टिक, और इट स्टैंड्स फॉर रूल, इट स्टैंड्स फॉर रूल। और जहां तक ला, ये ला क्यों जरूरी है, जिस तरह हम कहते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां तीन क्वेश्चंस का एक जवाब, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, ये चार तीन क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसका जवाब एक ही है, to maintain a coordination between government and the governed, that is to maintain coordination between people and the government, to maintain balance among the three organs of the government, to limit or restrict the powers of the government, to represent the aspirations of the people, to protect the rights, security, justice and liberty of the people। और ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, या हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, या हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। सो तीन सवाल और तीन सवाल का एक ही जवाब। इसी तरह व्हाई डू वी नीड अ लॉ, हमें कानून की जरूरत क्यों है, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, हमें कानून की जरूरत क्यों है, सो दैट टू मेक इट पॉसिबल दैट जस्टिस विल प्रिवेल, जस्टिस विल प्रिवेल, सो दैट टू मेक इट पॉसिबल टू मेंटेन इक्वालिटी अमंग द सोसाइटी, अमंग एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। So that to make it possible, जो भी आप कानून फ्रेम करेंगे इस्लाम में, जो भी आप सेट ऑफ रूल्स देंगे, वो यूनिफॉर्मिटी के साथ आएंगे। ये यूनिफॉर्मिटी क्या होती है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन उनकी होगी, वो सबके लिए बराबर होंगे। जो भी अथॉरिटीज होंगी, जो रूल्स बनाएंगे, जो सेट ऑफ रूल्स फ्रेम करेंगे, वो सेट ऑफ रूल्स सबके लिए बराबर होंगे, यूनिफॉर्म उनकी एप्लीकेशन होगी। ये नहीं कि वो अमीर है, वो उनके अपने हैं कि किसके नस, वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। सो यूनिफॉर्मिटी विल बी देयर, दैट इज आल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ। और एक और प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये होती है अथॉरिटी, a competent authority is only having the power to make rules or make laws or legislate on certain things. So competent authority kaun hoti hai? Yahan jo competent authority hoti hai wo mostly legislation mein baithti hai ya wo public offices mein baithti hai, to wo hoti hai competent authority jo apne apne areas ke related banate hain laws, rules banate hain, to authority competent honi chahiye। So ek aur principle jo hai law ki, that is rule of law, rule of law jaise ye term kisne di hai, famous British commentarian जो भी कानून तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। सो एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, अमीर हो गरीब हो, लेकिन इनमें से कोई भी अगर कानून की पासदारी ना करे, कानून को वायलेट करे, ही हैज टू फेस द पनिशमेंट। तो रूल ऑफ लॉ कानून की नजर में सब लोग बराबर है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आते हैं, रूल ऑफ लॉ भी आता है इसमें, इक्वालिटी भी आती है, टू मेक इट पॉसिबल जस्टिस विल प्रिवेल, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी यहां पर वर्ड इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्मली ये सब पे लाजिम होता है कि फॉलो करें वो रूल्स को। यूनिफॉर्मिटी, अगर कोई अथॉरिटी जो लॉज बनाती है फ्रेम करती है, वो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी एप्लीकेशन के साथ वो सब पे लागू होंगे, वो अमीर हो गरीब हो, कोई सेक्स हो, वो उन पे फॉलो होते हैं, वो उन पे लागू होते हैं। सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स, and only competent authority can frame these very rules, and competent authority ya to legislative chambers mein hai ya to wo public offices mein hai, wo apne offices ya public conduct ke related jo hai rules frame karte hain, wo apne follow karne hote hain, ye principles hote hain law ke। Then there are types of laws, types of laws, sabse pehla jo aata hai that is public law, when we are talking about the public law that is government law, that is government law। Is government law mein jo mostly jo dekha jata hai agar conflict hota hai, वो एक इंडिविजुअल वर्सेस गवर्नमेंट होता है।
एक इंडिविजुअल वर्सेस गारमेंट होता है, तो वहां पर जो इंडिविजुअल वर्सेस गारमेंट का जो कंडक्ट मेंटेन करना है, इसमें बैलेंस लाना है, तो वहां पर जो लागू होता है वो होता है पब्लिक लॉ। वो कौन सा लॉ होता है? अब फैमिलीज का आपस में मसला है, लोगों का आपस में मसला है, टू ग्रुप्स या दो से ज्यादा ग्रुप्स का आपस में मसला है, तो वहां पर एक प्राइवेट लॉ, ये जो है प्राइवेट लॉ जो है वो वहां पर लागू होता है। और जहां तक प्राइवेट लॉ की बात है, इसमें आगे दो चीजें आती है, एक आता है प्रॉक्स, एक आता है कॉन्ट्रैक्ट। एक आता है प्रॉक्स, एक आता है कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको अलग से पढ़ेंगे। बट राइट नाउ एक प्रॉक्स जो होते हैं ना, TROTS, प्रॉक्स मीन्स दो पार्टीज आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करते, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं, वो चाहते हैं हम मसला को सॉल्व करें, लेकिन ट्रॉट्स में वो एग्रीमेंट नहीं करते हैं। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो या ट्रॉट्स की बात हो, ये दोनों चीजें आती है किसमें? प्राइवेट लॉ में। देन देयर इज इंटरनेशनल लॉ, अगर आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ी है तो वहां बहुत सारी ट्रीटीज है, लेकिन बहुत सारी ट्रीटीज को बहुत सारी कंट्रीज ने, एक्सेप्शनल कंट्रीज ने साइन इसलिए नहीं किया, एक उनका नेचर जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी, उनका जो नेचर है वो क्या है, लाइक पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी, ये तीनों ट्रीटीज डिस्क्रिमिनेटरी, इन पर्टिकुलर एनपीटी और सीटीबीटी, दोनों ट्रीटीज जो है डिस्क्रिमिनेटरी। दैट इज व्हाई इंडिया पाकिस्तान अलोंग विद इजराइल इन्होंने वो साइन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी साइन की थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया उससे वापस निकला, विथड्रॉ किया उससे, क्यों? उन ट्रीटीज का जो नेचर है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, अदरवाइज वो इंटरनेशनल ट्रीटीज कंसीडर की जाती है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, लेकिन वो तो डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों है डिस्क्रिमिनेटरी? बिकॉज़ दे आर जस्ट परमिटिंग द 5P5 मेंबर्स to maintain your nuclear set of powers, to test new nuclear weapons, लेकिन बाकी countries को वो allow नहीं करते। और एक और इसके साथ ये जो international law है, अगर आपने सुनी होगी Antarctic Treaty, that was signed in 1959, Antarctic Treaty, NPT, CTBT, PTBT, इनके अलावा international laws में ये भी आता है, आप किसी की territorial integrity को violate नहीं कर सकते। एक territory हम किसको कहते हैं? Territory तीन चीजों से बनी, हवा, पानी और हवा, पानी, जमीन। सो अर्थ, दैट इज ग्राउंड, लैंड, अर्थ, व्हाटएवर, वाटर एंड एयर। एयर स्पेस में और वाटर्स में आपने बहुत बार सुना होगा, श्रीलंका के मछुआरे थे वो इंडियन पानी में पकड़े थे, इसी तरह इंडियन वाले पाकिस्तानी पानी में पकड़े गए, पाकिस्तान में इंडियन पानी में पकड़े गए। वो क्या कर रहे हैं? वो मछलियां पकड़ने जाते हैं, अपने पानियों को क्रॉस करके दूसरे पानी में जाते हैं, वो दूसरी कंट्री के पानी में। सो वहां पर क्या होता है, वो किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल जो है टेरिटरी को वायलेट कर रहे हैं। आप जैसे लैंडेड, आपको पता है कि आप ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, अगर आपने ये बॉर्डर इलीगली क्रॉस किया, आपने आपको जो नेबरिंग टेरिटरी है उस कंट्री की टेरिटरी को वायलेट किया, उस कंट्री की टेरिटरी को क्या किया, वायलेट किया। इसी तरह ये एरियल स्पेस भी है, वो कभी कभार जब मौसम खराब होता है तो एक कंट्री दूसरी कंट्री से कहती है, आज हमें आप परमिशन देंगे, हम यहाँ से जहाज ले जाएंगे, अदरवाइज उनका रूट वो लंबा हो जाता है, लेकिन वो उनसे परमिशन लेते हैं, क्योंकि आप किसी की एरियल स्पेस में बिना परमिशन के नहीं घुस सकते, उससे तो आप वायलेट कर रहे हो, पानी में बिना इजाजत के गुस्से तो वायलेट कर रहे हो, जमीन में भी नहीं घुस सकते तो वायलेट कर रहे हो। सो दीज आर वायलेशन ऑफ टेरिटरीज, इनके लिए आता है इंटरनेशनल लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द सी एंड लॉ ऑफ द एयर, लॉ ऑफ द एयर। सो वो सारी चीजें आती है इंटरनेशनल लॉ में। इसके साथ साथ अगर आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा या एनवायरमेंट पढ़ा होगा, आपने वहां होगा सुना होगा रियो स्मिथ, तो वहां पर कंडक्ट मेंटेन किया जाता है। जैसे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस इसलिए होती है कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन करता है, उस पर क्या सेंक्शंस हम लगाएंगे। लेकिन वहां कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1992 में, 1992 इज पॉपुलर क्योंकि उसी दौरान हुआ था अर्थ स्मिथ, और अर्थ स्मिथ कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील, कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील। तो वहां पर जब स्मिथ हुआ तो वहां पर ये अमीर कंट्रीज जो थी वो कहते थे कि जो ज्यादा ये जो पोल्यूशन कर रहे हैं ना, वो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड कर रहा है,
लेकिन यहां से अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये कहते थे जिनके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिकली बात भी है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी वही करेंगे ना, जिनके पास ज्यादा गाड़ियां पोल्यूशन मोनोऑक्साइड ज्यादा वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए वहां पर एक प्रिंसिपल ने चाहिए कि वो फॉलो नहीं चाहे, दैट इज कलेक्टिव बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। कॉमन कॉमन मीन्स आपने पोल्यूशन को रोक, आपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यकीनी बना लिया, आपने अफॉरेस्टेशन यकीनी बना लिया, सो इट इज कॉमन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी। लेकिन हर किसी को यहां पर बराबर बराबर रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम, दैट इज व्हाई देयर वाज दिस कॉमन वाज फॉलोड बाय डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। सो कॉमन बाय डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, कॉमन में आप सब ने एनवायरमेंट को बचाना, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी दैट इज रिस्पांसिबिलिटी डिफर्स, किसी को 10%, किसी को 1%, जो जितना ज्यादा पोल्यूशन करता है उसको उतनी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। तो ये प्रिंसिपल्स आए हैं अर्थ समिट में। सो जितनी भी ये अर्थ समिट्स या COPs होते हैं, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द पार्टीज, वो सारी होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वो क्या होती है, सो एज पर इंटरनेशनल लॉज होती है। इसी तरह सिविल लॉज जो सिविल मैटर्स के साथ होती है, और क्रिमिनल लॉज एक और टाइप है लॉ का जो क्रिमिनल मैटर्स के साथ डील करता है। So, ये सारी चीजें जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ के रिलेटेड है। इसमें आगे जो टाइप्स ऑफ लॉ है वी विल स्टडी देम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स।